आप लोगों को जल्दी जल्दी से बताना, आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि 1 मिनट आपके लिए बहुत काफ़ी है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये मैं क्लास 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये रूल नंबर 1 हमारा डिमास है। तो डिमास पर हम कैसे काम करेंगे, आप खुद देखिएगा। आप सबसे पहले है डिवाइड का निशान, ठीक है, फिर है मल्टीप्लाई, फिर है प्लस, इसके बाद है सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये डिवाइड, ठीक है, उसके अलावा मल्टीप्लाई, इसके अलावा एडिशन का निशान होगा, और इसके अलावा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से मैं आपको इस पहली वीडियो में एक इसका हल बताता हूँ कि किस तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले डिवाइड को हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक रफ़ अमल बनाएं, ठीक है, हम रफ़ अमल बनाते हैं, RW रफ़ वर्क होगा। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 3 9 को 3 से, 3 3 9, इसका आंसर आ गया 3, ठीक है। फिर ये हो गया आपका डिवाइड, हम यहाँ पर 3 देंगे, फिर दोबारा से यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। इसके दूसरा उद्देश्य पोर्शन होगा जो ये होगा, तो हम यहाँ से आपको डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 6, इसका आंसर आ गया 126। दोबारा हम यहाँ पर आते हैं, तो इसका आंसर हो गया 126। अब होगा ये प्लस, ठीक है, अब हमें ये प्लस करना है, तो आप प्लस करें ये रफ़ पोर्शन पे हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये 126 को 7 से प्लस करते हैं, 7 और 6 होते हैं 13, एक हम आसरा लेते हैं 3, ये होते हैं 133, ठीक है। तो यहाँ पर 133, ये 2 इसका जो होगा वो हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो ये इसका आंसर आ गया 131। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, जो कि मैंने आपको डिमास के बारे में बताया था। डिमास एक अपने बच्चों के लिए बहुत ही अहम रूल है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, इसके अलावा एडिशन, इसके बाद सब्ट्रैक्शन हमारा आखिरी मरहला होता है। तो इस तरीके से हल करने के बाद मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये था हमारा पहला वीडियो, तो आगे जाकर हम बहुत सारे रूल्स और वीडियोस के साथ हाज़िर होंगे। आज़म अकेडमी को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करना शेयर, लाइक और कमेंट। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।